अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 का, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर ना भी पसंद आए तो फिर भी आप लोगों को जो भी समझ आए ना समझ आए आप लोग बताइएगा ज़रूर कि ये वीडियो कैसी है। लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ मीथेन क्या होती है। 7 चैप्टर जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, इसके बारे में पहले हम इंट्रोडक्शन फर्स्ट लेक्चर में सारा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये जो हमारे पास मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, बेंजीन, ये जो हमारे पास स्टार्टिंग के जो इस चैप्टर के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये हमेशा एप्टीट्यूड से भी इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन के आते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कोई भी रिएक्शन इसका आ जाएगा। लेकिन एक बात आपको पेपर्स के लिहाज से याद रखनी है कि इसको लिखने का एक मेथड होता है, कि वो आपको सारे मेथड पूरे करने होते हैं। मसलन आपको अगर आप केमिस्ट्री ऑफ मीथेन अगर आपके पेपर में आ जाता है, तो पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन ज़रूर देना है, फिर आपको उसका स्ट्रक्चर देना है, फिर आपको उसकी प्रिपरेशन बतानी है, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर केमिकल रिएक्शंस, फिर यूजेस, और ये सारी बातें अगर आप बताएंगे तो ही आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट होगा। सो स्टार्ट करते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ मीथेन क्या होती है। मैंने यहाँ इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं दी है क्योंकि मैं यहाँ किसी पेपर में नहीं बैठी हूँ। जल्दी जल्दी मैंने आप लोगों का बस ये लेक्चर लिखा है आप लोगों के लिए। सो आप लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हेडिंग्स वगैरह दे के, इंट्रोडक्शन लिख के, पूरा प्रॉपर तरीके से अच्छे से लिख कर आइएगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री ऑफ मीथेन। मीथेन इज़ दी फर्स्ट मेम्बर ऑफ अल्केन फैमिली। आपको याद होगा हमने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीन फैमिलीज पढ़ी थी, जिनका हमने 6 चैप्टर में नॉमनक्लेचर भी डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग प्लेलिस्ट पे चले जाइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मेरी चैनल पे, तो आपको उसकी सारे के सारे ऑलमोस्ट 14 लेक्चर्स उस चैप्टर के मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम। मीथेन क्या है? फर्स्ट मेंबर है उस अल्केन फैमिली का। मीथेन जो होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास है CH4, मीन्स एक कार्बन पे मुश्तमिल होता है मीथेन, और उसके जो साइडों से क्या होती हैं, 4 हाइड्रोजन जो होती हैं वो बॉन्डेड होती हैं। तो मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ? CH4 हुआ, एक कार्बन वाला कंपाउंड हुआ ये, इसलिए इसका नाम क्या है? मीथेन है, इसलिए ये क्या है? फर्स्ट मेंबर है अल्केन फैमिली का। इट इज़ प्रेजेंट इन नेचुरल गैस अबाउट 94.60%। कितने परसेंट ये प्रेजेंट है? नेचुरल गैस जो जो होती है वो यूज़ की जाती है हमारे घरों में, जो आती है वो जो गैस होती है उसमें 94.60% जो होती है वो मीथेन होती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ये पता नहीं कितनी दफ़ा ये एप्टीट्यूड में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है कि कितना परसेंट जो होती है वो मौजूद होती है नेचुरल गैस में मीथेन। सो रिमेंबर 94.60। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज, यहाँ ऑल्सो मैंने नहीं लिखा, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज, मतलब मीथेन के अलावा भी इसके कुछ नेम है, वो ये है कि मीथेन के अलावा इसे मार्श गैस कहा जाता है, क्योंकि ये मार्शी एरिया से मिलती है। फायर डैम्प कहा जाता है या गोबर गैस कहा जाता है, ये इसके तीन नाम हैं। ये भी एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं कि अगर ये मीथेन का इनमें से कौन कौन सा नाम है, या ऑल्सो नॉन एज कोई सा भी दे देते हैं तो ऑप्शन में आपको याद रखने होते हैं। मोस्टली तीनों ऑप्शन होते हैं, तो ऑल ऑफ दिस पे भी टिक करना होता है, तो आपको ये तीनों नाम अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। अभी हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, अब स्ट्रक्चर कैसा है मीथेन का? सबसे ईजी स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास किसका है? वो हमारे पास है मीथेन का। अब मीथेन में क्या होता है? सेंटर में जो होता है वो एक कार्बन होता है इस तरह से, वो उसके सराउंड में 4 क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन। ठीक है, 4 क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं, और वो कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं? टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल इस स्ट्रक्चर को, ये जो मैंने जिस तरह से ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इस शेप को, इसके शेप को कहा जाता है टेट्राहेड्रल। ये भी MCQ में पूछा जाता है कि जो मीथेन का शेप कैसा होता है, तो आपने याद रखना है टेट्राहेड्रल। उसके बाद ये जो एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये है 109.5 डिग्री। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है कि मीथेन में कौन सी जो है वो एंगल कितना बनता है, 109.5। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ के लिहाज से। एक एक चीज़ आपने जो MCQ के लिहाज से है वो याद रखनी है, अगर आप लोग को MCAT का टेस्ट अच्छे से देना है तो। ठीक है, और मीथेन में क्या होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ मीथेन की तरफ।
ये हमारे पास अब पहली दफ़ा पहले हम किस हमारे पास बहुत सारे मेथड है ना इसको बनाने के लिए, तो तीन मेथड हमारे पास हैं। अब सबसे पहला है हमारे पास फ्रॉम सोडियम एसीटेट, ये है हमारे पास सोडियम एसीटेट, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या करना है, क्या बनाना है, हमें बनाना है मीथेन। तो हमने क्या किया, सोडियम एसीटेट के साथ कास्टिक सोडा को मिलाया, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं इसे, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। इन दोनों को जब हमने मिलाया, ठीक है, फिर क्या बना, मैं बस मीथेन बना और सोडा ऐश बना। अब वो कैसे बना मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये क्या है हमारे पास, CH3 है। एक हाइड्रोजन हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन हमने लिया है यहाँ से, ये हमारे पास क्या है, मीथेन CH3 और एक हाइड्रोजन। ये बाकी ये जो भी हमारे पास बचा, ये हमारे पास क्या है, ये अलग कंपाउंड बन गया। मीथेन निकालना था, मीथेन निकाल के बाकी जो बचा उसका एक और कंपाउंड बना दिया, और वो इस तरह से बनाया हमारे पास सोडा ऐश बाय रिडक्शन ऑफ मिथाइल आयोडीन। हमने मिथाइल आयोडीन ली है यहाँ पे, ये मिथाइल आयोडीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिए, यहाँ पे हमने एज ए कैटलिस्ट जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ किया है। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है कि बाय रिडक्शन ऑफ मिथाइल आयोडीन में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, फर्स्ट वाले रिएक्शन में या सेकंड वाले रिएक्शन में। तो ये आपने याद रखना है कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे देखें, ये दो हाइड्रोजन है, मैं इनको इस तरह भी लिख सकती हूँ कि एक हाइड्रोजन ऐसे है, एक हाइड्रोजन ऐसे है। तो CH3 के साथ एक हाइड्रोजन मिल जाएगी तो ये हमारे पास मीथेन बना देगी, और ये एक हाइड्रोजन जो हमारे पास बची है और ये एक हमारे पास जो ये आयोडीन है, ये मिलके HI बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, मीथेन बन जाएगी। यहाँ पे भी हमने यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन ली है, ठीक है, जिसे कहा जाता है न्यूली बोर्न हाइड्रोजन। ये भी MCQ से पूछा जाता है कि नेसेंट हाइड्रोजन ऑल्सो नॉन एज, तो आपने याद रखना है नेसेंट हाइड्रोजन ऑल्सो नॉन एज न्यूली बोर्न हाइड्रोजन। अब इसे क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको भी मैं इस तरह से लिख लेती हूँ कि ये दो हाइड्रोजन इस तरह से हैं, ठीक है। तो ये पूरी मीथेन निकल आई, बाकी ये आयोडीन के साथ हाइड्रोजन इस तरह से यहाँ आ गए। यहाँ पे हमने एज अ कैटलिस्ट जो है वो प्लाटीनियम और जो है वो प्लाटीनियम यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिडनॉट रीजन, ठीक है। ये हमारे पास पूरा वैसे तो स्ट्रेट होता है रिएक्शन, लेकिन मैं इस तरह से लिखती हूँ ताकि ये आपको ज़्यादा इजीली समझ आए। ये हमारे पास मीथेन है, ये वाटर मॉलिक्यूल मैंने खोल के बनाया है ताकि आपको बिल्कुल इजीली समझ आए, बिल्कुल हम इनिशियल से पढ़ रहे हैं इसीलिए। तो ये हमारे पास आ गया मीथेन। उसके बाद ये हमारे पास MG, इसके साथ बॉन्ड लगा के मैंने लिखा OH, फिर बॉन्ड बना के लिखा H। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सब कुछ हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स वो बाहर से, मीन्स उसकी जो एक्सटर्नल अपीरियंस है उसकी बेस पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कलरलेस होती है मीथेन जो होती है, वो कलरलेस होती है, ऑडरलेस होती है, मीन्स उसकी कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं होता। लाइट जो एयर होती है उससे भी ज़्यादा क्या होती है, लाइटर होती है। मीथेन जो होती है वो पॉइजनस गैस नहीं होती, कोई भी पॉइजन वगैरह उसमें नहीं होता, वो कोई भी नुकसानदेह नहीं होती। और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है -161.5 डिग्री सेंटीग्रेड। मीथेन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सिमेट्रिकल नहीं होते, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाया, कहीं से भी वो सिमेट्रिकल नहीं थे। सिमेट्रिकल मीन्स हर जगह से एक जैसे हों, लेकिन वो ऐसे नहीं होते। अब मीथेन इज़ स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। मीथेन जो होती है वो सोल्यूबल हो जाती है वाटर में। उसकी एग्जाम्पल ये है हमारे पास दिखी हुई है कि अगर हमारे पास 100 ml पानी होगा तो उसमें 5 ml जो होगी वो मीथेन जो होगी वो डिज़ोल्व होगी। क्यों, वो भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्यों, क्योंकि जो पानी की जो है वो लो सोल्यूबिलिटी जो होती है वो किसकी वजह से होती है, पोलर नेचर ऑफ मीथेन। क्योंकि जो हमारे पास जो वो मीथेन है वो हमारे पास नॉन पोलर है, और वाटर जो हमारे पास पोलर होता है, तो जो अगर मीथेन नॉन पोलर होगी और पोलर में हम इसको जो है वो सोल्यूबल करवाएंगे तो क्या होगी, वो सही से डिजॉल्व नहीं होगी, तो वो क्या हो जाएगी, स्लाइटली सोल्यूबल हम कहलाएगी। हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। अब ये हमारे पास केमिकल रिएक्शंस कुछ यहाँ पर हैं। तो हमारे पास दो तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एक होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरे होते हैं कंबस्शन रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं कि जैसा कि हम सबको पता है कि अल्केन्स जो होते हैं वो किसी एसिड के साथ, बेस के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जो होते हैं या फिर रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि जो हमारे पास जो अल्केन्स होते हैं वो जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं,
इसलिए वो किसी भी एसिड, बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो इसकी बेस पे अल्केन्स के जो रिएक्शन हैं उसकी दो टाइप्स हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड कम्बस्शन रिएक्शन। अब वो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का एक एटम जो हो वो रिप्लेस हो किससे, हैलोजीन से, वो कहलाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पास पूरा मीथेन है, यहाँ पे दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल है। इसका अगर एक हाइड्रोजन निकाल दूँ, मीन्स इसको मैं अगर CH3 कर दूँ और उस एक इसके जगह क्या ले लूँ, बदले में ले लूँ क्लोरीन, तो ये क्या हो जाएगा, CH3Cl हो जाएगा। और यहाँ का जब ये क्लोरीन चला जाएगा तो यहाँ पे H आ जाएगा जो कि यहाँ से आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, HCl। सेकंड में क्या करेंगे, दो हम दे देंगे, दो क्लोरीन इससे, एक क्लोरीन इससे ले लेंगे, दो हाइड्रोजन ले लेंगे, तो हमें बस CH2Cl2 और HCl बनेगा। यहाँ पे देखें ये वैल्यू यहाँ रखी, फिर हमारे पास ये आ गई दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल, फिर एक हाइड्रोजन दे देंगे, एक क्लोरीन ले लेंगे, तो हमारे पास CHCl3 और HCl बन जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ आया तो ये HCl बन जाएगा, और जो एक हाइड्रोजन यहाँ से गया है तो ये CH, और ये जब क्लोरीन यहाँ आ जाएगा तो ये Cl3 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये CHCl3 जब ये वाला मैं यहाँ रखूँगी और दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल मेरे पास यहाँ होंगे, फिर इसका एक हाइड्रोजन ये वाला मैं निकाल दूँगी, ये इसके पास आके HCl बनाएगा, फिर ये वाला जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल होगा ये इसमें ऐड होके ये CCl4 बना देगा, क्योंकि ये कार्बन मेरे पास पहले से ही था, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, HCl बन जाएगा। अब है हमारे पास कम्बस्शन रिएक्शन। कम्बस्शन रिएक्शन वो होता है जो कि एयर की प्रेजेंस में हो। मीथेन को हमने एयर की प्रेजेंस में जो है वो क्या किया है, उसका रिएक्शन करवाया है, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हुआ है। कैसे हुआ है ये देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, ठीक है, इस वाले कार्बन के साथ ये दो मैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अगर ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। फिर चार मॉलिक्यूल्स ये हमारे पास हाइड्रोजन के हैं, दो मेरे पास ऑक्सीजन के यहाँ से बचे, तो ये क्या बन जाएंगे, दो मॉलिक्यूल्स वाटर के बन जाएंगे। अब है हमारे पास मीथेन के यूजेस। मीथेन इज़ यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल, एज ए डोमेस्टिक फ्यूल यूज़ किया जाता है। हमारे घर पे गैस आती है, हम उसे यूज़ करते हैं, तो उसमें मैंने आपको जिसके बताया कि नेचुरल गैस जो हमारे पास मौजूद होती है उसमें 94.60% क्या होती है, वो नेचुरल मीथेन होती है। तो मीथेन जो होती है वो एज ए मैन्युफैक्चर की जाती है मेथनॉल बनाने में। अब मेथनॉल क्या है उसकी डिटेल हम चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक नंबर 2 या आई थिंक 1 मतलब चैप्टर नंबर 9 में हम स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लेंगे। सो मीथेन इज़ यूज इन कार्बन ब्लैक बनाने के लिए भी यूज़ की जाती है। उसके अलावा मीथेन को पॉलिशेस में भी यूज़ किया जाता है और CNG की फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। सो अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप लोग को चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ या जो भी आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वो आप लोग लिख सकते हैं। मेरा एक फेसबुक पे पेज है जिसका नाम है फ्री ऑनलाइन कोचिंग, अगर आप लोग उसमें ऐड हो जाएंगे तो फिर आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन मैं उसमें अपलोड करूँगी तो वो आपको मिल जाएगी, और अगर MCQs में पार्टिसिपेट करना चाहें तो भी आप उसमें ऐड हो सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।